ये है सेंचेजिया का प्लांट और देखिए इसमें कितने प्यारे फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। अचानक से आई तेज बारिश के साथ आंधियों ने मेरे गार्डन में ज्यादा कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाए हैं, लेकिन कुछ जो मैंने सीडलिंग लगाए थे उसमें बहुत ज्यादा पानी हो गया है। इतना पानी ये छोटे छोटे प्लांट को नहीं चाहिए। सीड मैंने लगाए थे विंका के और बहुत सारे इसमें पानी हो गया है। अब आज अगर धूप हो जाएगी तब तो ठीक है, नहीं तो ये सारे सीडलिंग को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और मैं दिखाती हूँ कि कलांचो की कटिंग को भी मैंने लगाया था और उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। इतना पानी से आपके कलांचो गल जाएंगे। तो पहले तो मैंने क्या किया था, इसे ऐसी जगह रखी थी कि जहाँ पर बारिश का पानी इसमें लग ना पाए। कलांचो को मरने का सबसे बड़ा कारण होता है अभी बारिश का पानी। तो कुछ हद तक तो ये बच जाएंगे, लेकिन हवाओं के साथ बहुत पानी इधर उधर उड़ उड़ कर सारे प्लांटर में बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो इसका मुझे थोड़ा सा चिंता है। खैर गार्डन तो ठीक ही दिख रहा है, साफ सुथरा, पत्ते सभी क्लीन हो गए हैं। और मोगरा में देखिए कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है मोगरा। और आपको दिखाती हूँ मैं, ये मैं सुबह सुबह शूट कर ले रही हूँ ताकि आपको अपना गार्डन का हाल दिखा पाऊँ। ये देखिए कुंद में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और कुंद में बहुत अधिक मात्रा में फ्लावरिंग होती है अभी, और अभी भी इसमें बहुत सारी कलियाँ हैं। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खुशबूदार है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये प्लांट देखने में। फूलों से भरा हुआ गार्डन दिखाई दे रहा है। और भी मैं दिखाती हूँ, फ्लावर्स तो बहुत खिले हैं गार्डन में, लेकिन प्रॉब्लम यही हुई है कि छोटे छोटे जो पौध मैंने लगाए थे उसमें ओवर वाटरिंग से सारे मेरी मेहनत खराब ना हो जाए। और इधर दिखाती हूँ आपको, ये देखिए समर में खिलने वाले कनेर कितने सारे फ्लावर्स दिए हैं, ये देखिए। और इसका लाल रंग बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है कनेर, और बहुत दिनों तक ये प्लांट में टिके रहते हैं तो अच्छे लगते हैं देखकर। इसके दो तीन कलर है लेकिन अभी रेड वालों ने फ्लावरिंग किया है, ये देखिए। ये है दुरांता के फ्लावर प्लांट और आप देखिए इसमें कितने प्यारे फ्लावर्स आए हैं, देखिए कलर देखिए और खूबसूरती देखिए। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लेकिन सारे ही प्लांट को मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा है क्योंकि कभी कभी बहुत ही तेज धूप होती है और धूप से ये मासूम से दिखने वाले फ्लावर्स सारे ही जल जाते हैं। तो समर फ्लावरिंग प्लांट की यही प्रॉब्लम है, फ्लावरिंग तो वो धूप मिलने से ही करता है, लेकिन उसके फ्लावर्स भी इस तरह से नहीं रहेंगे धूप में। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब फूल आ जाए तो थोड़ी सी शेडी जगह में रख दीजिए, और फूल ना आए तो आपको समर फ्लावरिंग प्लांट को धूप में रखना ही होगा। ये भी देखिए, ये भी कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है और देखिए फ्लावर्स कितने सारे आए हैं, और ये पत्ते भी बहुत सुंदर है, बिना फूलों के भी ये प्लांट बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। इधर कॉस्मोस है लेकिन अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और इधर देखिए विंटर फ्लावरिंग प्लांट वर्मिना है, और ये देखिए ये शूटिंग स्टार बोलते हैं इसको, और ये पर्पल कलर के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, इसमें खुशबू नहीं होती है, कलियाँ ढेर सारी आई हुई है, और इसे नीले टगर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत प्यारा फ्लावर प्लांट है। सारे प्लांट तो ठीक ही ठाक है, बस मुझे
फिकर है, तो बस ये सारे जो मैंने समर के लिए जीनिया को लगाया था, देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। सारे जीनिया में बहुत सारे पानी हो गया है, तो इतना ओवर वाटरिंग प्लांट को, ये देखिए सारे सीड निकल गए हैं जीनिया के। ये सब मैंने लगाया था, अभी इसे शिफ्ट करना बाकी है, कुछ को शिफ्ट कर दिया है ये देखिए, और ये सब शिफ्ट करना बाकी है। बहुत सारे प्लांटर में मैंने लगाए थे, और जीनिया को लगाने का बहुत ही यूनिक तरीका मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगी, आप लोग जरूर वो वीडियो देखिएगा। और बहुत सारे जीनिया एक ही फ्लावर से आपके गार्डन में हो जाएंगे। और ये भी देखिए मैंने कटिंग से ग्रो किया है, ये सारे कटिंग्स है, ये टब में रखे हुए थे, जल्दी जल्दी मैंने सबको निकाल कर बाहर रखा है, नहीं तो ये सारे कटिंग्स भी ओवर वाटरिंग से खराब हो जाते। इसको मैंने खाली कर दिया है, और भी दिखा देती हूँ आपको कि अचानक आई बारिश से मेरे गार्डन में कैसा चल रहा है। इधर देखिए जिरेनियम, इसकी कटिंग को मैं लगाऊंगी अभी जल्दी जल्दी से, और बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं, बहुत प्यारा फ्लावर्स होता है, देखिए आप देखेंगे ये बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट है जिरेनियम। और इसके फूलों में बहुत अच्छी खुशबू होती है, सीड भी बनते हैं, और आप देखिए मेरे पास एक ही कलर के हैं, ये सारे सीड से ग्रो किए हुए जिरेनियम है, और हो सके तो ये कुछ कटिंग से भी ग्रो किए हुए जिरेनियम है। तो मैं अभी कटिंग लगाऊंगी इसकी, और बहुत सारे प्लांट को रेडी करूंगी। ये देखिए कटिंग से ग्रो किया हुआ जिरेनियम, कितनी सुंदर इसकी हेल्थ है। ये देखिए रेलवे क्रीपर खिल गया है, और जरबेरा में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बारिश जो है अभी गर्मियों का बहुत सारे फ्लावरिंग भी लेकर आता है। ये देखिए इधर है जरबेरा, और ये देखिए मैंने कॉक्सकॉम की सीड को लगाया था, और बहुत सारे प्लांट रेडी हो रहे हैं। इधर पर्सलिन को भी लगा दिया है ग्रो बैग में, और इधर जरबेरा देखिए इसे कट करना है। ये देखिए ये सूखे फूलों को हटा दीजिए, ये इतना कंजेस्टेड हो गया, देखिए इसे अलग करना अभी बाकी है। मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसे मैं अलग कर लूंगी। और ये देखिए रेड वाले, इधर जरबेरा है, पिटूनिया में भी देखिए अभी फ्लावरिंग स्टार्ट है, देखते हैं कब तक इसमें फ्लावरिंग होती है। इसका इसमें बहुत सारे सीड पॉड बने हैं, आप चाहे तो सीड रख सकते हैं। ये देखिए ये सब सभी ब्लास्ट हो गए हैं, ये देखिए आप रख सकते हैं इसका सीड पॉड अभी। ये देखिए कितने सारे सीड हैं, ये छोटे छोटे काले काले जो है ये सीड है। और ये देखिए कितना प्यारा धतूरा का फूल है, ये डबल है, डबल पेटल वाले धतूरा के फ्लावर प्लांट, बहुत सुंदर फ्लावर है। कलर देखिए कितना सुंदर है, देखिए डेजी। और यहाँ पर बिगुनिया है, इम्पेशन है, ये सारे को मैंने छाया में रखा है देखिए आप। और इधर बहुत सारे इम्पेशन है, सब कटिंग से ग्रो किए हुए इम्पेशन है, और आने वाले समय में मैं इसकी कटिंग बहुत सारे लगाने वाली हूँ, और कुछ को मैंने लगाया भी है। ये देखिए इस तरह से आप लगाते रहिए कटिंग्स, आपके कभी भी प्लांट गार्डन से गायब नहीं होंगे। तोरेनिया है देखिए, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अभी रुकिए, ये है बिगोनिया, और दो कलर के प्लांट है देखिए, ये है पिंक, ये है रेड, और देखिए फूलों से भरा हुआ गमला है ये देखिए। इधर तो आपने देखा ही जरबेरा है, ये देखिए जरबेरा को बस ये जो पोर्शन है क्राउन एरिया इसका, इसे क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, तभी जरबेरा अच्छे से चलते हैं और बहुत सारे कलियां फिर आती है। ये देखिए और
और एक प्लांट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसमें मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। ये है सेंचेजिया का प्लांट और देखिए इसमें कितने प्यारे फ्लावर्स आते हैं, ये देखिए। और फ्लावर्स के साथ ही साथ इसमें वाइट मिलीबग इतना सारा आता है जिसके कारण इसमें बहुत सारे चींटियां आती हैं। वाइट मिलीबग आते हैं जिसके कारण चींटियां आती है और चींटियां के कारण मेरे बहुत ही खूबसूरत हेल्दी प्लांट खराब हो गए। मैंने वाइट मिलीबग को पानी के साथ धो दिया और ये तो धोया और धोने के बाद सारा मिलीबग नीचे गिरा और नीचे गिरने के कारण ये जो वेलवेट कोलियस है ये सारा ही सारे में ही वाइट मिलीबग लग गया। और देखिए इस प्लांट की क्या हालत हो गई। ऐसे तो मैंने कटिंग को जल्दी जल्दी लगा दिया, तो वाइट मिलीबग कितना खतरनाक होता है, किसी भी प्लांट को बिल्कुल खराब कर देता है। ये देखिए सेंचेजिया का फ्लावर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट है। ये देखिए मोना लेवेंडर, ये कटिंग से मैंने बहुत सारे प्लांट रेडी किए हैं, बहुत महंगे पाए जाते हैं नर्सरी में। और ये भी बिगुनिया, तो इधर देखिए सारे ही कोलियस है और बहुत अच्छी कलेक्शन है मेरे पास कोलियस की। और गर्मियों में देखिए पत्ते जल जाते हैं ये प्यारे प्यारे प्लांट के, इसलिए मैंने सभी को झुंड में रख दिया है। जितने भी बल्ब से मैंने प्लांट को लगाए थे सारे प्लांट में देखिए कलियां आ गई है, फ्लावर्स भी आ गए हैं और ये देखिए सभी में कलियां आ गई है, ये देखिए। और बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है सारे बल्ब से लगे हुए प्लांट में, ये देखिए इसमें भी कलियां आ गई है, ये भी आ गया है। जितने भी प्लांट मैंने लगाए थे सभी में डायरेक्ट कलियां ही निकली है। इधर कुछ रोज के कलेक्शन है, ये आपको रोज के जो ये सकर्स होते हैं इसे काटना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए ये यदि छोड़ देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाती है। और देखिए कितने सुंदर पीले रंग के फ्लावर्स आ रहे हैं। रोज मेरे पास ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी है अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये देखिए ये ब्लू डेज के तरह ही दिखाई देता है लेकिन ये ब्लू डेज नहीं है। और इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज्यादा हेवी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही सुंदर लगते हैं देखकर। छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं इसके, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखें। आपको मैं एक बार अपने पूरे गार्डन को दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है देखने में। ये देखिए गर्मी के कारण मैंने बहुत सारे प्लांट को झुंड में रख दिया है, तो इस तरह दिखता है गार्डन कुछ।